जो ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो बैन होने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट गो इन द डिटेल के ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो बैन होने वाले हैं। तो लेट्स जस्ट गो इन द डिटेल कि एक्चुअली में मामला क्या है वो पहले समझा देता हूँ। तो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए जो OTT रूल्स है और कुछ रेगुलेशंस जो है वो सोशल मीडिया पे लाके रखे थे कि भाई ये सोशल मीडिया को ये फॉलो करना है। और उसके अंदर जो मेनली अगर मैं आपको डिटेल्स की बात बताऊँ तो अगर कोई भी सोशल मीडिया है जिसके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, ऑफिशियल सब्सक्राइबर्स है, तो फिर ऐसे केस के अंदर उनको एक नोडल ऑफिसर रखना पड़ेगा। एक उनकी जो ब्रांच है, एक मेन ऑफिस जो है वो अपने इंडिया के अंदर रखनी पड़ेगी। हालांकि ऐसे जो रूल्स है वो बहुत सारे कंट्री जो है उसके अंदर रहते हैं, लेकिन क्या है कि ये एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिसकी वजह से कोई फेक मैसेज है या तो कोई ऐसा मैसेज है कि मतलब जो वायलेंस करवा सकता है, जो टेररिज्म के रिलेटेड होता है, या तो ऐसा कुछ भी कंटेंट जो ऑफिशियली नहीं पोस्ट किया जाता उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा जाए। और जो गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला था कि कुछ ऐसे जो वर्ड है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका है वो कवर करना चाहिए, और वो वर्ड और वो ट्वीट्स या तो वो जो मैसेजेस है जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे रूमर्स जाते हैं वो बंद हो जाने चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी इन कोरोना की सिचुएशन में भी बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके जो मैसेज है वो वायरल होते थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और उसी तरीके से। सो एक ये जरिया बन जाता है, उसको अटकाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कुछ जो नए रूल्स है वो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो लाके रखे हैं। नाउ वी विल नॉट गो इन दैट डिटेल क्योंकि हम कोई लॉ या उससे नहीं है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये है कि उसके बाद से ही बात होने लगी कि क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो ट्विटर है वो बंद हो जाएगा। देखो पहले तो समझ लो दोस्तों कि जो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है वो एक पार्ट है। फेसबुक जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक की कंपनी है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो और वो व्हाट्सएप जो है वो एक पार्ट है, और ट्विटर एक अलग पार्ट है, एक अलग कंपनी है, राइट। अभी जो हमारे पास न्यूज़ अभी तक जो आ रही है वो ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक मतलब कि जो फेसबुक कंपनी है उसने बोल दिया है कि हम इस रूल को फॉलो करेंगे फॉर श्योर, बट उनको थोड़ा टाइम चाहिए। और अभी तक ट्विटर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। तो जैसे लास्ट ईयर में जिस तरीके से पबजी और टिकटॉक बैन हुआ था, उस तरीके से मे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्विटर है उसके ऊपर ये जो डाल है वो गिर सकती है। अभी अभी भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास है एक दिन के जहाँ पे वो अगर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आई थिंक वो चीज़ हो सकती है रिजॉल्व, लेकिन मुझे लगता है तब तक तो जो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है वो नहीं होने वाला है बैन। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम OTT का वो करेंगे। अब रही बात व्हाट्सएप की पॉलिसी की, तो वो पॉलिसी भी अभी व्हाट्सएप ने बोल दिया है कि अभी वो होने वाली नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे हाईकोर्ट ने जो लताड़ लगाई थी तो उसकी वजह से अभी वो भी नहीं होने वाला है। तो डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी बैन नहीं होने वाला है। जो होगा तो शायद ट्विटर बैन हो सकता है, और वो भी मुझे लग रहा है ट्विटर भी कर ही देगा, क्योंकि देखो इंडिया का जो यूजर बेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। और ऐसे केस सिनेरियोज में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं हम फॉलो करेंगे या कुछ। सबको जो भी कंट्री है वो कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो सेटअप होते हैं वो हर एक का जो कंपनी है उसको फॉलो करने चाहिए, और वो हर एक MNCs जो होती है वो फॉलो करती है। नाउ इसके ऊपर बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविस्ट है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड है, तो वो उन लोगों का बहुत सारा एक कंसर्न है, और वो जायज़ भी है। मैं मानता हूँ कि वो भी है कि भाई यार हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लेकिन मेरा जस्ट वही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक एरिया के अंदर दंगे हो जाए, कोई एक एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, और लाइक दैट।
राइट। सो बस यही था जो सिनारियो जो अभी पलप रहा है, और मुझे लग रहा है कि कुछ भी बैंड होने वाला नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो इंस्टाग्राम में चालू कर दिया कि भैया हमें यहाँ पे फॉलो करो, शायद इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा या शायद वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस आप एंजॉय करो, और ठीक है अभी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, कंपनीज अपने काम करते रहेंगे, प्लेटफॉर्म्स है वो प्लेटफॉर्म्स आज ये है तो कल वो हो जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ा फर्क होने वाला नहीं है। तो बस यही चीज़ थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। नाउ लेट मी एंजॉय माय टी एंड विल सी यू वेल गोइंग आउट। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर दो। 700 सब्सक्राइबर्स हमारे जल्दी से होने वाले, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू नॉट। थैंक यू।